आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज इस चैनल के माध्यम से आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहे हैं जिसके द्वारा आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा पाएंगे और टाइपिंग करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले जरूरी हैं वो सभी हम आपको बताएंगे आज। तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें जिससे आप कंप्यूटर टाइपिंग सीख पाएं। कंप्यूटर टाइपिंग बहुत ही जरूरी होती है। चलिए देखते हैं। हेलो दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का सबसे आसान तरीका। तो बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड पर हमें हाथ किस तरीके सेट करने चाहिए। तो सबसे मेन होता है कि हमारा अगर हाथ अच्छे से सेट है, फिंगर्स हमारी की वाई की सेट की गई हैं, तो हम अच्छे से उस पर हम काम कर पाएंगे। और टाइपिंग सीखना कितना ज़रूरी होता है शायद आप सभी जानते होंगे। अगर हमने कंप्यूटर कोर्स पूरा आता है या हम कई भविष्य में कंप्यूटर सीखने के बाद कुछ करते हैं तो टाइपिंग के बिना सब अधूरा रहता है। तो टाइपिंग कितना महत्वपूर्ण है हिंदी एंड इंग्लिश, हम कोशिश करते हैं आपके लिए कि आप इंग्लिश की टाइपिंग बहुत ही स्पीड कर सकें। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके लिए 5 स्टेप रखूँगा और स्टेप बाई स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला स्टेप जो होगा आपका मैं आपको बताऊँगा। तो 5वां जो मैं आपके सामने लिखा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप आपका जो होगा, नॉर्मली आप लोग 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग कर लेते हैं, बट इसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है। तो पहला रूल आपके सामने मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रूल है आपका ये, फिंगर को सेट करना। फिंगर सेट कैसे करनी है, तो शायद आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर की अलग फिंगर है, ब्लू कलर की अलग है, येलो की अलग है, और स्पेस बार प्रेस करने के लिए हम थंब का प्रयोग करते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, अगर नंबर कीज की बात करें तो उसमें भी कलर बटे हुए हैं, येलो कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है। तो आप इस तरीके से अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं बारी बारी से तो शायद आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी। और हम बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी की, तो हिंदी के अगली आपकी वीडियो जब तैयार होगी वो हिंदी के लिए स्पेशल बनाऊंगा मैं, अभी आपके सामने इंग्लिश की प्रेजेंट कर रहा हूँ। बट आपको हाथ सेट कैसे करने हैं अपने वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी कुछ बटन्स हैं जैसे ESDF, JKL। तो पहली जो फिंगर होगी आपकी, इसे लिटिल फिंगर कहते हैं, वो ए पर सेट की जाएगी। उसके बाद सेकेंड एस पर होगी, उसके बाद मिडिल फिंगर आपकी डी पर होगी, और आपकी इसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं वो आपकी ई पर सेट होगी। राइट हैंड की बात करें तो फर्स्ट इंडेक्स जो आपकी फिंगर्स होती है वो जे पर होगी, उसके बाद के होगा, उसके बाद एल, उसके बाद सेमीकोलन। ये क्रम बारी बारी से दोहराएंगे और हम एक चैप्टर एक्सरसाइज बनाएंगे ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन। ये हमें बारी बारी से लर्न करना होता है। इसी के साथ हम GH भी प्रेस करते हैं। अब हमारा थर्ड नंबर रूल आपके सामने प्रेजेंट है। इसमें हमें क्या करना है, फिंगर्स को कैसे सेट करना है, किस फिंगर को कहाँ तक ले जाना है वो हम देखेंगे अब। तो देखो इसमें मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है, ग्रीन कलर को लिटिल फिंगर के द्वारा यूज़ करना है। सेकेंड जो नंबर की जो हमारी फिंगर होती है उसके द्वारा हमें रेड को प्रयोग करना है, और ये ब्लू कलर आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए ध्यान से, अब मेरा जो माउस कर्सर काम कर रहा है रेड पे काम कर रहा है, और आपकी फिंगर बता रहा है येलो, येलो पे काम करेगा। और जैसे कलर वाइज आपकी फिंगर दी हुई है वो आपको प्रयोग करना है। और टाइपिंग की स्पीड तभी बढ़ सकती है जब इतना हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने से ही टाइपिंग बढ़ती है। एक बार को हमें याद हो ना या हो, लेकिन हमारी जो फिंगर्स हैं उनको हमारा हर लेटर लर्न होना चाहिए। द प्रैक्टिस इज द बेस्ट, प्रैक्टिस करोगे टाइपिंग आपको कब आ जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। एक बात जरूर ध्यान रखें, ये सीखने के बाद अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस बनाए रखें। अगर आप प्रैक्टिस बीच में छोड़ते हैं तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो डाउन हो सकती है। और एक बात विशेष बताना चाहूँगा, टाइपिंग करते समय सभी बोर होते हैं, तो बोर होने से आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे आपको 15-20 दिन आपको एक्स्ट्रा करते रहना है, कंटिन्यू एक एक घंटे आपको क्लास करनी है इसकी, जिससे आपकी एक हैबिट बन जाएगी। हैबिट बनने के बाद आपकी टाइपिंग इतनी बेस्ट हो जाएगी, साथ आपको पता नहीं होगा हमारी टाइपिंग इतनी बेस्ट हो चुकी है।
और एक तरीका और भी है जो बहुत ही अच्छा तरीका है, कोई भी काम करें आप शॉर्टकट से करें, शॉर्टकट से कैसे करना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। नंबर फोर, जैसे हम कंटो प्लस एक्स यूज़ करते हैं, कभी कंटो प्लस वाई यूज़ करते हैं, कंटो प्लस सी भी यूज़ करते हैं, जितनी भी शॉर्टकट्स होती हैं सभी को आप शॉर्टकट से प्रयोग करें, माउस का प्रयोग कम करें। जितना हम ज़्यादा कीबोर्ड को प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट होता है, और हम कोशिश ये भी करेंगे हमारा पूरा जो कीबोर्ड है पूरा फिंगर के अकॉर्डिंग हमें रटा हुआ होना चाहिए। हम छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम कोशिश यही करेंगे हम कीबोर्ड से करें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम संख्या में हमें शॉर्टकट्स याद होनी चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा एक इम्प्रेशन भी बनता है कि हम कितना बेस्ट कर पा रहे हैं और हमारा काम जल्दी भी होता है। और डिपेंड करता है कि सिस्टम पर हमें बैठना किस तरीके से, इसके बारे में बात करेंगे। अगला जो आपका स्टेप है वो सिस्टम पर टाइपिंग के बैठने के अकॉर्डिंग है। नंबर फाइव, सबसे पहले लैपटॉप या डेस्कटॉप पर आप बैठते हो तो सबसे पहले अपनी फिंगर्स को सेट करना होता है। फिंगर आपकी ऐसा नॉर्मली फ्रैंक होनी चाहिए, ऐसा कोई फ्रेशर नहीं होना चाहिए, और सही सीट में बैठकर पैरों को ज़मीन पर रखना होता है, और सीधे बैठते हैं बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से, और आपकी जो नज़रें हैं वो डिस्प्ले पर होनी चाहिए। डिस्प्ले पर आप देखेंगे ध्यान से, कीबोर्ड को देखने की कोशिश ना करें। अगर गलती होती भी है तो आप स्टार्टिंग में बैक स्पेस बटन का प्रयोग ज़्यादा ना करें, क्योंकि जब उसको हम बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं तो बारी बारी से हमारी फिंगर्स का जो सेटअप होता है ए एस डी एफ हट जाता है। तो दोस्त बस प्रयास करते रहिएगा, हम चाहते हैं कि आप इस तरह मेहनत करें और हमारे चैनल को देखते रहें, और आपका अपना पारंगत आपको सिखाने के लिए थैंक्स, और हमारी वीडियो देखने